मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगाजल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसके बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या होती है। दरअसल धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ये जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त बल भोले के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। दरअसल धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। सावन के महीने में कटनी के गिरजा घाट से हजारों की तादाद में कांवड़िया भक्त कांवड़ लेकर नृत्य करते हुए निकले। इन तस्वीरों में कांवड़ लिए कालों के काल महाकाल को प्रसन्न करने नंगे पैर बैजनाथ धाम के लिए हजारों की तादाद में भगवान की झांकी के साथ अद्भुत नृत्य करते हुए निकले। यह अद्भुत नजारा देखते ही लोगों के पैर रुक गए। सड़कों पर जनता एकत्र हो गई। यहां पर जा रहे कांवड़ियों को श्रीफल देकर रवाना किया गया। बोलबम कांवड़िया यात्रा के हमारे कटनी शहर के सम्मानी भक्तगण बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए कांवड़ यात्रा लेकर कटनी से लगभग हजारों की तादाद में निकले हुए हैं। गिरजाघाट से इनकी यात्रा शुरू हुई है। गरक चौराहा में आकर के हमारे जिला अधिवक्ता संघ के साथीगण, समाज सेवीगण एवं हमारे पत्रकार साथियों के द्वारा इस प्रकार का शानदार आयोजन किया गया, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा बैजनाथ सभी की रक्षा करें। कटनी शहर में शानदार सुखमय जीवन सभी लोग व्यतीत करें, इसी कामना के साथ बोल बम। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।